यहाँ, हम सबको यहाँ सुपरहीरो एकेडमी में बुलाया तो है, पर हम सब यहाँ जमा होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ के प्रिंसिपल का। सुना है बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स रूल्स रूल्स। अच्छा, ओ यहाँ कैसे आए, कहाँ से आए हो? प्लेनेट अर्थ से आया हूँ, इंडिया में रहता हूँ, आर्यनगर में। मुझे यहाँ सुपर हीरो एकेडमी से एडमिशन का इनविटेशन मिला। सुपर हीरो एकेडमी और इस सुपर हीरो ट्रेनिंग को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, इसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते। जिस समय आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएंगे, उस समय आपको एक क्लोन जो हूबहू आपसा ही है, वहाँ आपकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लोन, गुड आइडिया, किसी को शक भी नहीं होगा। और ये ब्रेसलेट पहनकर मैं यहाँ आ गया। देखा बच्चों? पर लैंडिंग जरा। हाँ, इसे कहते हैं क्रैश लैंडिंग, मेरा स्टाइल है। खैर, तो बच्चों, मैं हूँ प्रिंसिपल कमांडो कूल, नाम तो सुना ही होगा। इस सुपर हीरो एकेडमी में मैं आप सुपर नाइन का स्वागत करता हूँ। साल हम बहुत देख परख कर सिर्फ 9 ऐसे सुपर हीरोज को चुनते हैं जिनमें हमें अद्भुत शक्तियां और टैलेंट दिखाई देता है, और फिर उन सुपर 9 को हम यहां अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग देकर उनके पावर्स और बढ़ाने और सुधारने का मौका देते हैं, जिससे वो आगे चलकर अपनी उन शक्तियों से बड़े बड़े काम करें, दुनिया में अच्छाई के लिए लड़ें, बुराई को मिटाएं और हमारी सुपर हीरो अकादमी का नाम और रोशन करें। आपकी ट्रेनिंग इंचार्ज होंगी मिस 99 और फाइनल स्टूडेंट्स वेलकम। आज क्लास नहीं, विलन्स और मॉन्स्टर्स का प्रैक्टिकल है, यानी कि लाइव ट्रेनिंग। जो स्टूडेंट जितने मॉन्स्टर्स मारेगा वो उसका टेस्ट स्कोर काउंट होगा।
देखें क्या स्कोर रहा हमारे सुपर हीरोज का। एक्स 3, जेना और आलिया 1-1 और बाकी सब 0। पर मिस, ये मॉन्स्टर्स अजीब थे, हम इन्हें मारते भी थे तो ये वापस जुड़ जाते थे। आज का इम्पोर्टेंट लेसन ये है, दुश्मन से मुकाबला करते समय उसकी कमजोरी, उसका वीक स्पॉट पता लगाने की कोशिश करो और फिर उस वीक स्पॉट पर अटैक करो। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, कम कोशिश कम टाइम में दुश्मन को हरा पाओगे। एक्स, जेना, आलिया, क्या तुम बता सकते हो कि जब तुम वो मॉन्स्टर्स मार पाए तो तुमने उन्हें कहाँ अटैक किया? उनके फेस पर। राइट, इन मॉन्स्टर्स का वीक स्पॉट उनकी नाक थी। देखो एक बार फिर ट्राई करते हैं। मन की शक्ति ज्ञान बढ़ा के बनेंगे योद्धा यहाँ पे आके, कर्तव्य सीखने हैं सब आए, अलग अलग ताकत है लाए। नो प्रॉब्लम राजू, पर याद रखना आज शाम को मैं ही तुम्हें पिकअप करूंगा। हाय राजू, गुड मॉर्निंग स्वामी अंकल। ओके बॉयज, मैं चलता हूँ, एंजॉय स्कूल। हे कूल, नया वीडियो गेम? हाँ, मेरी बुआ ने दिया। गिफ्ट लाने का शुक्रिया। गोपी की गेम वापस कर दो चाली। नहीं तो क्या कर लेगा डेढ़ फुट के? मेरी लेसन लेगा? ले तो लेता, पर लेसन समझने के लिए ब्रेन्स की जरूरत है, और सैडली वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और तेरे पास बड़ा ब्रेन का भंडार है ना? अभी उसका अचार डालता हूँ। टिकटॉक एक्टिवेट स्केडी। मैं मानता हूं कि खेल कूद सेहत के लिए अच्छा होता है, पर अगर मॉर्निंग असेंबली के वक्त बच्चे प्रेयर ग्राउंड के बजाय पार्क में दिखें तो वो उनकी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं। मैं थोड़ी खेल रहा था, ये सब उसकी करतूत है, उस राजू की। अभी उसे सबक सिखाता हूं। रुक जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल मेरा इंट्रोडक्शन आपके मॉर्निंग असेंबली में होने वाला था, पर द अर्लियर द बेटर। मैं हूँ परमवीर कश्यप, आपके स्कूल का नया प्रिंसिपल। मैंने क्लास टीचर को बात करते सुना था कि इसी हफ्ते नए प्रिंसिपल आने वाले हैं। तो कमिंग बैक टू यू। सर, मैं तो बस यूं ही क्लास की ओर जा रहा था कि इस राजू ने मुझे अपने स्केटबोर्ड से दे मारा। डोंट लाई चार्ली, उल्टा तुम राजू को मारने वाली थी कि फिसल कर उसके स्केट पे गिर पड़े। फिसल कर? ये राजू अपना कुछ तो माइटी वाला गैजेट। फिसल कर नहीं सर, उसने मुझ पे उसका स्केटबोर्ड फेंका क्योंकि मैं गोपी का गेम थोड़ा देख रहा था। गोपी, क्या ये सच है? नो सर, चार्ली मेरी गेम छीन रहा था। जब राजू उसे रोकने गया तो चार्ली झगड़ा करने लगा। सर, बात ये। बात अब तुम मेरी सुनो, अगर वाकई में तुम्हें वो सब किया है जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो इसका मतलब तुम एक बुली हो, और पुलिस को मैं अपने स्कूल में कभी बर्दाश्त नहीं करता। पर अगर तुमने वो सब नहीं किया तो मेरी राय है कि आगे कभी करना भी मत, क्योंकि आपको पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं। राइट देन, तो अब असेंबली ग्राउंड्स चलें। लास्ट पीरियड के बाद मेरे रूम से कलेक्ट कर लेना। वाओ, प्रिंसिपल कश्यप तो काफी स्ट्रिक्ट टाइप के लगते हैं। अच्छा ही है, चार्ली और उसके चमचे थोड़ा काबू में रहेंगे।